मेरा नाम समर वाशब, क्या कर रहे हो? ओ अच्छा अच्छा रुक जा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर, समर एक्सप्लेन टू चैनल में आपका स्वागत है। भाई हम देसी ही ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने वाले एक हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, रिचार्जेबल हेडफोन और वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। तो देख सो फ्रेंड, बिल्कुल मार्केट से लुक है और सारे काम करते हैं फ्रेंड, जैसे कि आप मार्केट से कर सकते हो। बहुत ही चीप बन जाती है और फ्रेंड बहुत मजबूत भी, ऐसा नहीं है, आप काफ़ी दिनों से यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड किस तरह से बनाएंगे, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट से, काफ़ी आपको इंजॉय आने वाला है हमेशा की तरह। चले फ्रेंड चलते हैं पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसा ब्लूटूथ हेडफोन बनाने वाले हैं जो कि आपके कान फाड़ देगा। मैंने कान बोला है। तो दोस्त, वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो, तो हीट गन का मैं यूज करके से पिचका रहा हूँ। अगर आपके पास हीट गन ना हो, जो कि नहीं होती बहुत लोगों के पास, तो आप गैस पर हीट करके इस तरह से कर सकते हो। मैंने पिछले कई वीडियो में दिखा दिया कि आप गैस पर हीट करके किस तरह से कर सकते हो, शीट बना सकते हो। तो 15.5 इंच यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। तो आप चाहे अपने अकॉर्डिंग, अपने सर के अकॉर्डिंग इसका साइज ले सकते हो। सर को इंग्लिश में हैंड बोलते हैं, गलत बोल दिया, हेड बोलते बच्चा। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह थोड़ा मैं हीट करके तो यू शेप बनाना, तो यू को यू शेप में बनाना है। बनाना मतलब केला नहीं, बनाना है। तो दोस्त यहाँ पे ये बाल्टी देख रहे हो, दूध वाली बाल्टी है, मैं डेली दूध लेकर आता हूँ उससे, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, बहुत अच्छी शेप में इसे बना देगा। देखिए आप चाहते दोस्त, जो लड़कियों की क्लिप आता है इस तरह का बालों, उसका भी यूज़ कर सकते हो। सीरियसली यार, अपने क्रिएटिविटी को बात है, लेकिन दोस्त ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखिए टूटेगा नहीं आराम से, अब भाई यानी कि इसमें हथौड़े ही बजा दो। नहीं यार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा नहीं, आप काफ़ी इसका यूज़ कर सकते हो। और ये होम मेड है भाई, उसका तो मज़ा ही कुछ और है अपने हाथ से बनाने का। तो अब मैं टिन वायर ले ली इसलिए फ्रेंड, जिसके वायर डाल सकूँ। तो अब मैं दो वायर यूज़ करने वाला हूँ, कोई भी आप वायर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स हमें स्पीकर लगाना है। तो मैंने इसको सोल्ड इसलिए कर दिया, मैं फ्रेंड जबरदस्त से खींचू भी तो भाई अटके नहीं। देखिए तो अब ये निकल चुका है, या आप चाहो तो इसे पहले कर सकते हो, यानी कि वायर को पहले ही डाल सकते हो पाइप को पिचकाने से पहले, लेकिन फ्रेंड्स फिर वायर जलने का खतरा रहेगा। तो दोस्त यहां पे 2 इंच यानी 63 mm का मैंने पाइप ले लिया है पीवीसी का, थोड़ी आपको अच्छी कंपनी का ले लेना है। यहाँ पर 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ कट कर दूंगा, दो मार्क लगा दूंगा। और ये भी आप अपने कान के हिसाब से ले सकते हो, कान को इंग्लिश में आइस बोलते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है मेरे पे। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हो, ये दो बन गए हैं हमारे। चलिए मैं आपको अपने आइस दिखाता हूँ, देखिए बहुत अच्छी आइस है मेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इंच का पीवीसी का पाइप अपने अलग से ले लिया है, इसको मैं मिड में से काट कर भाई इसकी मैं शीट बनाने वाला हूँ। और भाई पहले मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, यहाँ से गैस पीट कर सकते हो। और फ्रेंड हम यहाँ पर इसकी एंड कैप बनाने वाले हैं। अब भाई मुझसे बहुत से लोग कहेंगे, समर यार एंड कैप तो मार्केट से लेकर आएंगे। नहीं, मार्केट से नहीं भाई, वो काम नहीं करेगी। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैं काट डालूंगा। हाँ तो भाई काट दे। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हो, ये अच्छी तरह से कट कर देता है लोंडा। और आप चाहे तो कोई ब्लेड से, जो आरी का ब्लेड होता है उससे कट कर सकते हो, या घर की कैंची होती है ना कपड़े काटने वाली, मम्मी से बिना पूछे काट देना, वरना भाई बहुत कटोगे। तो यहाँ पर देखो, चार मैंने कट कर दी है। अब आते हैं भाई स्पीकर पर। तो भाई अभी मैं दिल्ली गया था और इसका ब्लॉग मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल समर एक्सपेरिमेंट ब्लॉग्स पर आप जाके देख सकते हो। और ये 10 रुपये का मुझे मिला है, और बड़ा वाला जो है ये 15 रुपये का, छोटे मियाँ बड़े मियाँ 15 रुपये के, ये क्या हो गया। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हो, आप ये वाले यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स हमें थोड़ी कम साउंड रख, लेकिन भाई साउंड यार साउंड में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, ये भी बहुत तेज़ साउंड देता है भाई, बहुत अच्छी बेस, बहुत अच्छी ट्रेबल देता है। तो यहाँ पर देखिए, दो हम चंदमाम यूज़ करेंगे, फिलहाल एक मैंने थोड़ा साइड में भेज दिए हैं, फेंक दिए हैं देखा जाए तो। यहाँ पर मिड में मैं कुछ यहाँ पर मार्किंग करने वाला हूँ। फ्रेंड्स मार्किंग आपको थोड़ी तमीज़ से लगानी है, थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए इंसान की। देखिए तो मैं किस तरह से लगाऊँ भाई, मैं मतलब आपको अगर समझ तो जाए, खुद तमीज़ ना आया, मतलब थोड़ी सी तो मैं सिखा ही दूंगा, क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वही दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे मैंने होल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ज़्यादा होल नहीं करने, इतने होल कर देने हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर इसकी फोटो डाल दो तो अच्छी खास लाइक आ जाएँ। तब आप कोई और सी गन यूज़ ना करें, ग्लू गन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको सोल्यूशन या फ्रेंड्स सही को यूज़ बिल्कुल ना करें, स्पीकर खराब हो सकता नहीं, हो जाएगा गारंटी। तो यहाँ पर देखिए, दो मैंने कर दिए भाई, दो जो मैंने रिंग बनाए थे 25 mm के, यहाँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने फिट करने वाला हूँ, और अंदर से आप यहाँ पर स्टड ग्लू लगा सकते हो, बिल्कुल बहती चलेगी दरिया की तरह, वाह। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो अच्छे तरह बन गए हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीक पर। तो चले फ्रेंड्स अब एम्पलीफायर बोर्ड पर आते हैं। दोस्त ये मुझे 35 रुपये का मिला है, ऑफलाइन मार्केट से दिल्ली से मैं लाया था, और बहुत सस्ती चीज़ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन देखा तो दोस्त वहाँ पे 150 रुपये का मिल रहा था, कहीं 200 का मिल रहा था भाई। इससे अच्छा मैंने वहाँ से पजामा ऑर्डर कर दिया, मैं कहा भाई इससे अच्छा तो पजामा पहन के मैं रात की नींद अच्छी लूँगा, ये मेरी नींद भगा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, ये 30-35 रुपये मिलते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली मिलते हैं। PM84 एम्पलीफायर बोर्ड है, और दोस्त ये देख सकते हो 8610 एम्पलीफायर बोर्ड है भाई, ये बहुत धांसू एम्पलीफायर बोर्ड है, 15-15 वाट के हैं, ये भी 15-15 वाट का है, डुअल चैनल स्टीरियो। वो देख सकते हो फ्रेंड्स, वो भी स्टीरियो है, लेकिन दोस्त वो 3-3 वाट का है, ये वाला छोटा वाला देख सकते हो। तो फ्रेंड्स सच्चे सच्चे बताऊँ तो भाई, ये वाला बोर्ड की बहुत
तेज साउंड है, बहुत दाव साउंड, आप साउंड सुन नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखो 10 वाट का स्पीकर आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको 15-15 वाट की जो किट है वो यूज़ करनी हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक ब्लूटूथ मॉडल यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम इसका ब्लूटूथ बनाएंगे। यकीन माने मेरे दोस्त, आप ये वाली किट भी लगाओगे तो इसकी भी साउंड आप सुन नहीं पाओगे, बहुत तेज साउंड होते हैं इसके कानों के लिए आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने LLRR ग्राउंड यानी कि जो साहब लिखा है ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्शन फ्रेंड्स कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, इस पर ऑलरेडी प्रिंटेड है, मैंने नहीं छापे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फ्रेंड्स के पॉजिटिव नेगेटिव और इसके पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने हैं। वायर बिल्कुल कंपनी इस तरीके से दिए फ्रेंड्स जो बिल्कुल आमने सामने इसके लगा सको। तो मैं आपको कनेक्शन अभी लगा के दिखा रहा हूँ, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए समर एक्सपेरिमेंट के साथ। तो देखिए दोस्त यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कनेक्शन लगा दिए हैं, कनेक्शन में कुछ लेना देना नहीं है हमारा, तो मतलब हमारा था यार ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हो ग्रीन और रेड हमने वायर लगा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव, और स्पीकर वायर कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं एल स्पीकर का लगा रहा हूँ क्योंकि भाई जिंदगी की एल लगी पड़ी है, तो भाई एल को लेकर चलते हैं, आर बाद में लगा देंगे। तो आर आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम एसपीएसटी स्विच ले रहे हैं दोस्त, आप बैंड स्विच, एसपीएसटी स्विच, टॉगल स्विच, कोई भी स्विच आप ले सकते हो, बस इसका काम फ्रेंड्स ऑन ऑफ करना होता है। आप छोटा कोई भी स्विच ले अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साइड में लगा दिया। अब दोस्त के कनेक्शन पर चलते हैं, इसकी थोड़ी फिटिंग पर चलते हैं। तो भाई फिटिंग करनी काफी ईजी है फ्रेंड्स। अभी मेरे सर में आया था कि दिमाग तो भाई है नहीं मेरे पास, तो दोस्त मैंने सोचा था कि भाई एक पजामे में एम्पलीफायर लगाऊं, बहुत पगड़ा कि फट जाए पजामा ही। लेकिन भाई मैंने सोचा नहीं नहीं इतनी कॉमेडी अच्छी नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाली बैटरी यूज़ कर सकते हो जो कि मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल ऑल रिपेयरिंग शॉप की होती है फ्रेंड, जहाँ पर मोबाइल रिपेयर होते हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हो, 20-30 रुपये की आपको मिल जाएगी और शायद आपको जान दो फ्री में दे देगा पुरानी बैटरी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने वाला जो 200 मिली एम्पियर आवर की है। और देखिए कनेक्शन में कर देता हूँ। और फ्रेंड्स आप मोबाइल की कोई बैटरी यूज़ कर सकते हो, ये बैकअप अच्छा दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि तो स्पीकर बहुत छोटे साइज के, आप कम में सुनोगे काफ़ी, तो बहुत अच्छा इसका बैकअप मिल जाएगा। चले फ्रेंड्स ये कनेक्शन पर आते हैं। कनेक्शन काफी इजी है, दो तार जो बच रहे हैं जो कि हमारे प्लस है पॉजिटिव, उन्हें हमने स्विच से दे दिया फ्रेंड, स्विच ऑन ऑफ करने पर ये ऑन एंड ऑफ हो जाए। नेक्स्ट पर चलते हैं और इसे हम चिपका देते हैं। दोस्त एक बात का ध्यान रहे, आपको थोड़ा ऐसे चिपकाना फ्रेंड जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और देखिए अभी निकलेगा नहीं, अब हमें दोबारा से पाइप की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड। ध्यान रहे हमें कई बार इस पाइप की जरूरत पड़ने वाली, आप चाहो तो इसे थोड़ा लंबे यानी कि पूरा 5-6 फीट का पाइप कर लीजिएगा, ज्यादा हो गया, कम से कम 2-3 फीट का तक कर लीजिएगा और इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा। अब भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, जो कि है तो नहीं लेकिन थोड़ा सा फिर भी किसी से ले लिया था उधार, तो वहाँ पे लगा लिया। देख सकते हो यहाँ पर अप्रोक्स 9 सेंटीमीटर कट कर दिया है यहाँ पर। और इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके दो पार्ट बना सकते हो। तो आप इससे हवा भी कर सकते हो, गर्मी बहुत है, पंखा भी हम बना देते हैं कभी कभी, अभी हमें पता ही नहीं लगता। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक और चाहिए, अप्रोक्स ये मैंने 8 इंच का पार्ट ले लिया है और इस तेज से मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो अप्रोक्स मैं 8 mm इसका डायमेंशन ले रहा हूँ और आप देख सकते हो आपको इसे आसान कट कर देना, क्योंकि समझ में इसे करना क्या है। देखिए 5 mm, ये 4 mm इसके नीचे फ्रेंड, ये 38 mm आप ये पूरा लॉन्ग टाइप है। और फिर दोस्त यहाँ पर आ गया 4 mm और 5 mm, मैं इसकी डायमेंशन बता रहा हूँ, मुँह से सब मुँह से ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कट कर दिया। अब फ्रेंड्स ऐसे में 4 पार्ट चाहिए, तो मैं पहले तो एक पे लगा लिया, उसके बाद फ्रेंड मैं दूसरे पे लगा दूंगा। तो फिर मैं हीट गन का यूज़ करने वाला हूँ, आप मैंने बताया फिर दोस्त थोड़ा सा गैस पर हीट करके भी इसका बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कितने इसको एंगल दूंगा, आप वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, हर चीज़ मुँह से नहीं बोली जाती, कभी कभी देख भी लिया करो यार। तो फ्रेंड्स मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं समर यार अपना आप कॉमेडी चैनल खोल लो, भाई मेरे पे बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं आती, यकीन मानिए भाई, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ जैसे मेरे मुँह से निकलता रहता है, जो दिमाग में आता है नहीं आता, बस बोलना मेरा काम है। तो भाई इतनी कॉमेडी नहीं आती फ्रेंड्स कि मैं एक चैनल खोल सकूँ, और भाई इससे मुझे होश नहीं मिलता देखा जाए तो, आपके लिए नए नए आइडल आने बहुत बड़ी बात होती यार। तो प्लीज़ दोस्त इसी पे बहुत प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें दिल से यार। और भाई फ्यूचर किसने देखा कि आगे क्या होगा, वैसे काफ़ी लोगों को मेरी कॉमेडी अच्छी लगती है, काफ़ी को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हो इस तरह से हमने इसका शेप बना दिया। और दोस्त हमें ऐसे कितने पीस चाहिए, चलिए देख लेते हैं। ऐसे में 4 पीस चाहिए, 3 लोंडे ये रखे और 1 लोंडा वो रहा, ठीक हो रहा है। तो दोस्त यहाँ पर 4 हमने कंप्लीट कर दिए। और ये भाई जैसे घड़ी में आता है ना आपकी जो बेल्ट को रोकने के लिए, इस तरह का बन गया है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स मेन टॉपिक पर, तो इनका यूज़ होने का वाला है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हो, तो फ्रेंड्स हमें इसे थोड़ा सा बैंड करना होगा। तो बैंड के लिए आपने बताया ना हीट गन का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेंड अगर हम इसे ज़बरदस्ती थोड़ा बैंड करेंगे तो टूट जाएगा या फिर इस तरह से नहीं मुड़ पाएगा, गर्म होकर काफ़ी अच्छा हीट हो जाता है। और आप इसे कोई भी डायरेक्शन में थोड़ा सा बैंड कर सकते हो। और फ्रेंड्स क्योंकि घर में सबके गैस चूल्हा होता है, आप वहाँ पर इसका यूज़ कर, बस थोड़ा सा दिक्कत यह है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा बन थोड़ा जला देता है या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है, वैसे फ्रेंड्स कोई नहीं, बहुत अच्छा वो काम करेगा। तो देखिए क्लिप को आप इस तरह से लगा सकते हो, ये फ्रेंड थोड़ा एडजस्टेबल बन जाएगा, जैसे आप मार्केट से लाते हो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है ना, इसलिए मैंने बनाया है।
अगर आप इसे डार्क बनाओगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, लेकिन भाई ये अगर आप थोड़ा सिस्टम लाओ जो मैं लगा रहा हूँ, इसमें भाई काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी और थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड इसे बनाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि हर किसी का जो सर होता है छोटा बड़ा होता है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट कर सकती है इसका। और आप मार्कर चला तो उसमें इसलिए ही होता है, आप चाहते सिंपल बना सकते हो। अगर आप सिंगल यूज़ के लिए बनाने हो, आप खुद के लिए बनाना है, कोई और यूज़ नहीं करेगा, तो आप सिंपल इसे बना सकते हो। अब दोस्त चलिए थोड़ा कनेक्शन पर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्पीकर अलग और फिटिंग अलग यूज़ करने वाला हूँ आप, क्योंकि समर भाई ये तो भसड़ हो जाएगी भाई, तो हमें क्या करना भाई, भसड़ नहीं फैलानी। आप चाहो तो दोस्त बैटरी और अलग अलग चीज़ लगा सकते हो दोनों में। मैंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए, ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, वैसे मार्केट से आप लाते हो उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, एक जगह ही आपके सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, बस स्पीकर अलग हो गया और एक जगह जिसमें मैंने आपको दिखाया कि भाई मतलब बैटरी इसमें, मॉड्यूल इसमें, यहाँ पर सब चार्जिंग पॉइंट में सब चीज़ उसके अंदर दी जगह है। आपको लगे समर भाई ज़्यादा हो रहा है तो आप बैटरी को दूसरी जगह लगा सकते हो, बस आपको थोड़ा सा वायर लंबा ले जाना होगा। अब दो चार्जिंग के लिए हम 5 वोल्ट चार्ज मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं और माइक्रो यूएसबी फीमेल पोर्ट भी यूज़ करेंगे, इससे टाइम बच जाता है। और फ्रेंड्स बता दूं, अगर आप मोबाइल की बैटरी यूज़ करोगे इसमें, तो आप उसमें चाहते चार्ज मॉड्यूल मत लगाइए, उसमें ऑलरेडी चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है जो मोबाइल की बैटरी होती है। लेकिन फिर फ्रेंड्स आप एक मतलब एक लंबे समय तक के लिए चार्ज बना लगाएं, आधे घंटे या 20 मिनट तो चार्ज में लगाएं और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्त सस्ते में आप इसे बहुत बना सकते हो, सारे आपके क्रिएटिविटी के बाद और थोड़े से आप जुगाड़ होने चाहिए। मैन जी फ्रेंड्स कि हम हैं इंडियन और भाई हम सबसे बड़े जुगाड़ हैं वर्ल्ड के नंबर वन, तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हो कनेक्शन हमने कर दिए हैं, बहुत ईजी कनेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चार्ज में आपको करके दिखा दूँ, देखिए रेड जो LED है वो ब्राइट हो गई है, यानी कि ये अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स की फिटिंग कर लेते हैं। अभी भाई अभी रुके रहिए, अभी वीडियो खत्म नहीं है दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है भाई। तो यहाँ पर मैं ऐसा लगाता हूँ ग्लूगन से, जिससे कि थोड़ा शॉर्ट सर्किट ना हो और भाई ये अंदर भागे नहीं, क्योंकि भाई डांस करने को सबका मन करता है, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, कंपोनेंट्स भी कूदेंगे, तो भाई हम ऐसा नहीं चाहते और हम यहाँ पर चिपका देते हैं। अब फ्रेंड्स आपने क्या महसूस किया होगा, भाई लग गया ये फ्रेंड्स यहाँ से जो है हमारे कान में चुभेंगे भाई, ज़्यादा देर आपसे नहीं लगा सकते डेफिनेटली। तो यहाँ पर दोस्त हम फोम भी लगाएंगे, सिर्फ फ्रेंड थोड़ा आपको आराम मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये वाले फोम यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई फोम यूज़ कर सकते हो जो कि आपको आराम दे, तो मैं इन्हें थोड़ा ज़्यादा ही प्यार से साइड में रख देता हूँ, देखिए कितनी प्यार से रखा। और यहाँ पर ये वाली फोम यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ी पतली है और आसानी से लग भी जाएगी। और भाई ये मैं अभी अभी गद्दे में से काट के लाया हूँ, आपको क्या करना है फ्रेंड, आप इस तरह से काट सकते हो, मम्मी पापा से पूछ के काटना, जिससे फ्रेंड्स वो थोड़ा प्यार लाड जता सके आपको, हाँ भी मेरा बेटा जवान हो गया है अच्छी तरह से मुझसे पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स पिटाई तो होगी, लेकिन थोड़ा लाड प्यार से पिटाई होगी, मैंने करते करते पिटाई होगी, तो आप इसे कट कर सकते हो। और भाई मुझे तो ये फ्री मिली है, आपको समर भाई तुझे तो सब चीज़ फ्री मिल जाती है भाई, ये है ना कि मैं दुकान पर मांगता हूँ जाके तो वो दो चार रैपट मार देते हैं, मैं जाकर ले आता हूँ, टेंशन नहीं, थोड़ा चेहरे की भी वर्दिश हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने कट कर दिया इस तरीके से, और भाई यहाँ पर मैं शोले से नहीं यूज़ करने वाला हूँ। आप फ्रेंड्स यहाँ पर फेविकोल ना लगा के सोल्यूशन का ही यूज़ करें, उससे क्या होगा कि भाई सोल्यूशन इतना अच्छा चिपकती है, क्योंकि बनी फ्रेंड्स चीज के लिए, आप भाई तोड़ोगे फाड़ोगे नहीं फटेगी भाई, निकल जाएगी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह चिपकती है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और भाई चार्जिंग दिखाता हूँ करके देखिए अंदर से। फ्रेंड्स यहाँ पर LED आपको चमक रही है, बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू कलर की LED या ग्रीन कलर LED बैट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स टेस्ट कर लेते हैं, मैं थोड़ी देर के फ्रेंड चुप रहूंगा, तो आप यहाँ पर इसके साउंड सुन सकते हो। और प्लीज दोस्त थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, मैंने अच्छे से टेस्ट करा है, जिससे फ्रेंड कुछ लोगों की शिकायत रहती है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको उसके साउंड काफ़ी अच्छे लगेंगे। दोस्त मैंने आपको हर एंगल से चेक करके दिखाया है, जिससे फ्रेंड्स आप ये ना कह सको समर फेक है, नहीं 100% रियल है, जेन्युइन वीडियो है। बस फ्रेंड्स एक बात और है कि माइक मैंने बिल्कुल स्पीकर के पास चेक करके दिखाया है, आपको लग रहा हूँ अभी ऑल साउंड इसके लाउड है, नहीं फ्रेंड्स के रियल में साउंड लाउड है। और बस तो आपसे फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़े कम साउंड रख के सुने और अपने कानों का भी ध्यान रखें।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफी अच्छे लगे, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कैसे लगे फ्रेंड्स प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।